हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा, आपकी अपनी फ्रेंड, लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर यानी कि जो भी डिलीवरी प्रोसीजर होती है, डिलीवरी प्रोसीजर को ही हम लेबर भी बोलते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा मैं क्यों बता रही हूँ। तो इसमें जो थर्ड स्टेज होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, थर्ड स्टेज की जो थर्ड स्टेज होती है जो लेबर की, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या होता है उसका प्रोसेस, क्या होता है मैनेजमेंट, क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम वही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको फेसिस में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे जिनको आप देखेंगे और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है। दैट्स व्हाई इफ यू आर लाइक माय वीडियोस, ड्रॉप द कमेंट इन कमेंट बॉक्स, देन आई फील मोटिवेटेड एंड आई विल मेक मोर वीडियोस फॉर यू। सो वी विल स्टार्ट नाउ। इंट्रोडक्शन। थर्ड स्टेज इज द मोस्ट सर्वाइकल क्रूशियल सॉरी सर्वाइकल नहीं बोला था क्रूशियल क्रूशियल यानी कि इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्ड स्टेज होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, मोस्ट क्रूशियल स्टेज होती है लेबर की। जी हाँ दोस्तों, ये आप पढ़ेंगे आगे आगे तो आप समझ जाएंगे क्यों होती है। प्रीवियसली अंडरवेंट, यार मुझे अपनी राइटिंग समझ में नहीं आती, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। प्रीवियसली अनइवेंटफुल फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज कैन बिकम एबनॉर्मल विद इन अ मिनट विद डिस्टोरियस कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे बताया गया कि प्रीवियसली यानी कि थर्ड स्टेज से जो पहले की स्टेजेस हैं वो अगर अनइवेंटफुल होती हैं, लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनका रिजल्ट क्या होता है, मिनटों में डिस्ट्रेसफुल हो जाता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बहुत ही बुरे होते हैं। यहाँ पे इसका कहने का यही मतलब, बिकम अबनॉर्मल विद इन अ मिनट, मिनटों में ख़राब हो जाती है कंडीशन विद डिस्ट्रेस कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो कॉन्सिक्वेंस बहुत ही डिस्ट्रेस होते हैं, डिटोरिएटेड होती हैं, वर्स होते हैं। देखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में देखेंगे, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ लेबर दैट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ ऑफ द बॉडी एंड एंड एट द डिलीवरी ऑफ फीटल मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये कब स्टार्ट होती है, कब एंड होती है। एज अ पार्ट ऑफ लेबर, एक पार्ट है लेबर का, जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें तीन चार जो भी पार्ट प्रोसेस होते हैं उसी का ही एक पार्ट है लेबर, दैट स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बेबी, यानी कि बेबी का जो बर्थ है वो हो जाता है, उसके बाद थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है। जी हाँ दोस्त, देखिएगा डिलीवरी हो चुकी है, आपके ये लग रहा होगा कि काम खत्म, डिलीवरी होगी, बेबी बाहर आ गई, नो, थर्ड स्टेज वहीं से स्टार्ट होती है और वहीं पर कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है। फ्रॉम बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी का बर्थ होता है तो थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, और एंड कहाँ होती है, डिलीवरी ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा, यानी कि वो कहाँ एंड होती है, जब तक यूट्रस से प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन बाहर नहीं हो जाती, जब तक ये सीरियस रहता है थर्ड स्टेज रहती है। ओके तो कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बेबी, एंड एंड कहाँ पे होती है, जब तक उसका प्लेसेंटा जो होता है या फीटल मेम्ब्रेन होती है वो बाहर नहीं आ जाती। अच्छा, इसका डेफिनेशन देखेंगे सेकेंड वाला क्या बताता है। थर्ड स्टेज इज द सेपरेशन एंड एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा एंड इट्स अटैच्ड मेम्ब्रेन आल्सो इन्वॉल्व द सेंट्रल ऑफ ब्लीडिंग। इन्वॉल्व आएगा दोस्तों, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ए नहीं है, वो ओ है, ओ ओ। तो थर्ड स्टेज क्या होती है, इसमें क्या होता है, सेपरेशन एंड एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा। यहाँ पे ऊपर वाले में बताया मैंने, जो प्लेसेंटा बाहर आता है, तो बाहर कैसे आता है, जब वो सेपरेट होगा, यूट्रस की जो लाइनिंग है उससे सेपरेट होगा, एक्सपल्ज आउट होगा, ठीक है, एंड इट्स अटैच मेम्ब्रेन, जो इसके साथ मेम्ब्रेन होती है ऑल्सो इन्वॉल्व, इसमें सब इन्वॉल्व होती हैं, द सेंट्रल ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड डेफिनेशन। दम देखेंगे थर्ड डेफिनेशन। थर्ड स्टेज आल्सो नोन एज प्लेसेंटल स्टेज, हम इसको प्लेसेंटल स्टेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले तो बेबी की डिलीवरी हो गई, अब थर्ड स्टेज में किसकी डिलीवरी होगी, प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी। जी हाँ दोस्तों, इसे हम प्लेसेंटल स्टेज भी बोलते हैं इसको। थर्ड स्टेज आल्सो नोन एज प्लेसेंटल स्टेज एंड इज द पार्ट ऑफ लेबर
फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बेबी अंटिल द प्लेसेंटा डिलीवर, यानी कि ये क्या होता है, प्लेसेंटल स्टेज होती है और पार्ट ऑफ दी जो लेबर है, लेबर का पार्ट है ऑब्वियसली, मैं बता चुकी हूँ। और कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम दी बर्थ ऑफ दी बेबी अंटिल दी प्लेसेंटल डिलीवरी। तो दोस्तों हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारा ये है फिजियोलॉजी ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।